कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अगर आप आवेदन करने की इच्छुक महिला अभ्यर्थी हैं और अगर आप बीएड पास हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आप सभी के द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब हम एक एक करके क्रमवार इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे कॉपी कलम के साथ बने रहें, लिखते चलें और अगर आपके प्रश्न हो तो वीडियो में कॉमेंट करते चलें, क्योंकि आपने लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर, लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर जो भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब हमने क्रमवार रूप से एक एक करके दिए हैं। फिर भी बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं, उन सभी सवालों के भी जवाब हम आपके लेकर यहाँ पे आ रहे हैं ताकि आपके इन सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो सबसे पहला जो आपके मन में प्रश्न है, जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय है क्या उसमें अलग राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन जिन जिलों में इसका जिक्र किया गया, अन्यथा आप केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अदर जनपद से आते हैं तो आपकी काउंटिंग सामान्य में होगी। दूसरा आरक्षण को लेकर, जी हाँ, आरक्षित जो है जैसे उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके साथ साथ आपने देखा ईडब्ल्यूएस, तो जो जो जिसके पद हैं, जो जो जहां पर खाली है उसमें ही आपको भरना है। और आपके पास अगर आप सामान्य में भर रहे हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बाकी अन्य, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, बाकी सभी के लिए आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उम्र सीमा 25 से लेकर 45 के बीच होनी चाहिए। उसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसकी वीडियो हम स्टडी विद दुर्गेश सर एक यूट्यूब चैनल और है उस पर हम बना के डाल देंगे, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरें, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, उसमें लिफाफा कैसे भर के भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, उसकी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, वो भी लर्निंग विद दुर्गेश के साथ स्टडी विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। उसके बाद भी अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हमें कोई व्यक्तिगत सवाल है, कोई वैकल्पिक सवाल है, हमें फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए एक नंबर है 9451-062-078, इस पर अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहां पे जिन जिलों का फॉर्म आता जाएगा मिलता जाएगा। वैसे कुछ जिलों के फॉर्म आ चुके हैं, वो आप उस जिले का जैसे www.jaunpur.nic.in, जैसे जौनपुर का आपको चेक करना है, लखनऊ का चेक करना है, बागपत का चेक करना है, बाराबंकी का चेक करना है, तो इस तरह से संभल का चेक करना है, तो इस तरह से डालकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप नजदीकी बीएसटी ऑफिस से भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे अभी ने कहा सर मैं जौनपुर में गई थी तो वहां पे मुझे फॉर्म के लिए नहीं, मना किया गया, अभी वहां पे विज्ञप्ति नहीं हुई, तो जिन जिलों की विज्ञप्ति होती जा रही है वो आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद ये सवाल आ रही क्या इसमें केवल महिला अभ्यर्थी, जी हाँ, इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है कि सर मैं बीटीसी डीएलएड हूं, क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ? जी नहीं, केवल बीएड पास महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे सर मैं प्राइमरी के टेट पास हूँ तो मैं आवेदन कर सकती हूँ? जी नहीं, अगर आपको शिक्षिका बनना है उसके लिए आपको केवल केवल जूनियर के टेट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि सर जूनियर में का सीटेट मान्य है कि यूपी टेट है? तो देखिए ये अलग अलग जगह आ रहा है, लेकिन अगर आप सीटेट अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास है तो भी फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में पैसे तो लग नहीं रहे, स्पीड पोस्ट का खर्चा आएगा, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि उसमें केवल टेट शब्द का जिक्र किया गया, उसमें यूपी टेट सीटेट नहीं। जहां पे जिन जिलों की विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया है यूपी टेट जूनियर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं उनके लिए ही है, लेकिन जहां पे केवल टेट पास, जूनियर टेट पास लिखा गया है वहां पर इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी था कि सर कॉमर्स के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, उनके लिए भी कुछ पद हैं, वहां पर वो कॉमर्स के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए टेट जरूरी नहीं, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक और सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर मैं क्या एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकती हूँ? जी हाँ, आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति कई पदों पर आवेदन करना चाहे तो उसके लिए कई फॉर्म भर सकता है वो, तो इसके लिए नहीं है कि एक अभ्यर्थी एक जिले में केवल एक फॉर्म भर सकता है, कई फॉर्म भर सकता है, सभी काउंसलिंग करा सकता है। फिर सवाल आ रहा है कि सर मेरी मार्कशीट में कोई त्रुटि आ रही है, उसके लिए भी नहीं घबराना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया और आपको भी मैंने बता दिया, उसकी एफिडेविट लगी कक्षा 10 के मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये गलत नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए कि उसी पर आपका कॉल मैसेज आएंगे, पता आपका सही होना चाहिए कि आपकी जो कॉल लेटर जिसे कहते हैं वो भी आपका उसी पर आएगा, तो ये सारी चीजें गलती मत करिए, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं। आपकी परसेंटेज सही होनी चाहिए कि उससे कैलकुलेट किया जाता है, बाद में अगर गलती होगी तो उसके लिए भी दिक्कत होगा, परसेंटेज अब एकदम सही निकलेगा। इसका गुणन कैसे बनता है मैंने वीडियो बना के डाल दी है, अगर आप चाहते हैं मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का केवल गुणन कैसे बनते हैं, उस पर भी मैं एकदम सेपरेट एक वीडियो बना के डाल दूंगा, वहां पर भी आपको दिक्कत ना रहे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वहां पर हम आपको जवाब देंगे। फॉर्म सभी लोग भरिएगा, जो भी बीएड के अभ्यर्थी टेट पास हैं, जूनियर का टेट या सीटेट, वे सभी आवेदन करिएगा फॉर्म।
क्योंकि 22,000 रुपये मंथली मिलना शुरू होगा, उसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी करिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, एलटी ग्रेड आर उसकी तैयारी करिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कई रास्ते ओपन है। केवल डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए ये रास्ते बंद है, लेकिन आपके लिए एलटी ग्रेड का रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो एलटी ग्रेड में भी जो अभ्यर्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए भी काफी बढ़िया और एक बड़ा मौका है यहाँ पे अपने आप में कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी के भी रिएक्शन शुरू है, तो मानी सत्र इस चुनाव से पहले आपको खंड शिक्षा अधिकारी और आपको एलटी ग्रेड, इन दो बड़ी भर्तियों को देखने का मौका मिल सकता है। तो आप सभी साथी, सभी अभ्यर्थी अब की बार एक सीट हमारे के तर्ज पर अपना बेस्ट और अपना बेहतर देना शुरू करें। सिलेक्शन अगर लेना है, सरकारी नौकरी अगर आपको करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है। वैसे डेलेट के अभ्यर्थियों के लिए सुपर टेट ही एक रास्ता भी बचा है, फिलहाल के लिए प्राथमिक ही बचा हुआ है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहे, बेहतर देते रहे। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है कि भैया आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप अपनी तैयारी को जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके सिलेक्शन का दरवाजा कब खुल जाए कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, सबसे ज्यादा सवाल है सर, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे फॉर्म को भेजें, एक मैंने वीडियो बना के रखी है, उसको पूरा देखिएगा, काफी 70-70 मिनट का वीडियो है, पूरा प्रोसेस मैंने फॉर्म भर के बताया है, पूरा समझाया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे छायाप्रति लगेगी, कैसे सत्यापन होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, सब एक एक करके हम बता रहे हैं। वैसे हम इस पर एक एक टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, डॉक्यूमेंट का सत्यापन कैसे होता है, अगर मार्कशीट में त्रुटि है तो कैसे होता है, इन पर भी हम एक एक टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, इसी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम आपकी मदद कर सके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम इसकी एक अगली टॉपिक लेकर आएंगे जिस पर आपके सवाल होंगे, इस वीडियो पर क्रमवार रूप से सवाल पूछेगा। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस पर भी वीडियो पड़ती रहती है, उस पर भी आपको मिलता रहेगा, उसके अलावा रील के माध्यम से वीडियो बनाएंगे। तो नंबर आप फिर से ले सकते हैं 94-5102-078, ये नंबर आपके काम आ सकता है, इसको सेव कर लीजिएगा। इलानी विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है जो केवल आपकी मदद कर सकता है, आप अपने जिले और अपना नाम लिखकर इस पर व्हाट्सएप करिएगा, यहां से भी आपका नंबर सेव कर लेंगे और आपको हमेशा जो भी आपको जानकारी चाहिए मिल पाएगा, क्योंकि इस पर कॉल नहीं लग पाएगी, केवल इस पर व्हाट्सएप से ही आपकी मदद हो पाएगी। और कोई अगर सवाल हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि परीक्षा नहीं है, केवल आपकी एकेडमिक मेरिट के आधार पर मेरिट बननी है, तो फिर देर किस बात का, झोंक दीजिए अपने आप को, एक फॉर्म भरना है, डाउनलोड करिए, फॉर्म भरिए, बाकी जो फॉर्म की प्रारूप है वो इलर्निंग विद दुर्गेश के जो आपके पास मैंने आपको भी पहले बताया कि नंबर है उस पर आपको मिल जाएगा। वैसे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश और उस पर भी कल से सभी जिलों के फॉर्म पोस्ट कर दी जाएगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समस्या ना हो। अगर आप इसके अलावा कोई प्रश्न है, इसका कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके सभी सवालों के लाइव जवाब दे सके। जी हाँ, इसके लिए हम एक लाइव सेशन भी लेकर आ रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो कमेंट करेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे, तो हम इसके लिए एक सेशन लेकर आ रहे हैं जहां पर हम आपके सभी डाउट एक ही वीडियो में शेयर करेंगे। धीरे धीरे फॉर्म का डेट नजदीक आ रहा है, आपको स्पीड पोस्ट भी करना है, तो कल हम एक नई इसके साथ एक लाइव सेशन लेंगे, उसकी जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन करेंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगी। हम आपके साथ लाइव आकर इन सभी प्रश्नों पर एक एक करके सीधे वार्ता करेंगे, एक एक बात करेंगे, ताकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब हम आपको लाइव दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल हो कमेंट करिएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो कोई भी सवाल हो, क्योंकि आप हमेशा बेहतर और बेस्ट दीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। फिर भी शुरुआत करिए, एक अच्छी शुरुआत है, छोटी शुरुआत है, कल को आप बड़े पोस्ट पर जाएंगे, अच्छी जगह पोस्टेड होंगे, लेकिन शुरुआत करते रहिए, क्योंकि इस बेरोजगारी के दंश में छोटी छोटी सीढ़ियां हमारे जॉब की हमें आपकी मंजिल तक पहुंचने में काफी मददगार होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करके रखिएगा, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं घंटा का बटन दबा के चलिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन ये वीडियो किसी की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है, ये वीडियो किसी से जीवन से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सभी का, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। गुणांक काउंट करना मैंने आपको बता दिया, मार्कशीट कौन कौन से लगेगी, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, उसकी मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, फिर भी मैं इसकी एक और वीडियो सेपरेट करके डे बाय डे आपको बनाकर दे दूंगा। आप सभी का थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म,
अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012।